इस सीरम में सबसे दो ख़ास इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे। सबसे पहला है राइस, दूसरा है ग्लिसरीन। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो और इंग्रेडिएंट्स हैं मैं इसमें ऐड करूँगी जो इस रेमेडी को और भी पावरफुल बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेना है राइस। 2 चम्मच आपको राइस तकरीबन इसको आपने वॉश करना है पहले, फिर इसमें आपको तकरीबन 1/2 ग्लास पानी डालना है। उसके बाद आप तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही रखना है। 2 से 3 घंटे के बाद आप इसमें राइस को मिक्सर जार में डालें और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इस वाटर को, राइस के वाटर को, ये स्टार्चिंग जो वाटर है राइस के पूरे के पूरे, इसके जो बेनिफिट्स हैं जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फैलोनिक एसिड है, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है, इसको आपने छान लेना है। इसका जिसमें आप डालेंगे ग्लिसरीन। हाइलोरिक एसिड जितना महंगा आता है ना, वो जितने भाव में आपको मिलती है, ग्लिसरीन जो है वो इक्वली काम करती है। हाइलोरिक ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके जो है आपने साइड में रख लेना है। ये हमारे जो सीरम का सबसे ख़ास कंपोनेंट है। इसके बाद आपने एक दूसरा बाउल लेंगे जिसमें आप डालेंगे 1 टेबलस्पून बादाम का तेल। देखें इसकी जो छोटी छोटी बॉटल्स हैं वो आपको ईजिली मिल जाती हैं, तो आप चाहें तो वो अपने पास भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने एक